सरदार अपार सिंह ने कुरुक्षेत्र में कहा, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव से पहले चुनाव चिन्ह हुए आवंटित। जगदीश सिंह झिंडा ग्रुप को मिला उगता सूरज। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव को लेकर पहले चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुका है। जगदीश सिंह झिंडा ग्रुप को उगता हुआ सूरज का चुनाव चिन्ह मिला है। इस संदर्भ में जगदीश सिंह झिंडा ग्रुप के सदस्य सरदार अपार सिंह ने कुरुक्षेत्र में सिख संगत से अपील की है कि जल्दी से जल्दी सभी लोग अपनी वोट बनवाएं। साथ ही सरकार से उन्होंने अपील की है कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव करवाए और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक कमेटी को ऐसे ही रहने दिया जाए, किसी दोगले व्यक्ति को कमेटी का प्रधान नियुक्त नहीं किया जाए। वहीं गुरुद्वारा आयोग ने भी प्रदेश सरकार को हिदायत दी है कि हरियाणा प्रदेश के सिख बाहुल्य इलाकों में 30 सितंबर तक वोट बनवाई जाए। सब तो पहले मैं देश विदेश दिया संगतां नूं फतेह बुलांगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अपार सिंह किशनगढ़ सबका मैंबर है जी सी बी। मैं हरियाणे दियां संगतां नूं दसना चाहता हाँ कि सुनामो झिंडे ग्रुप नूं चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव चिन्ह साडा है जिहड़ा कि चढ़दा सूरज। तो मैं हरियाणे दियां संगतां नूं मैसेज देना चाहता हाँ कि असीं झिंडे झिंडा ग्रुप रल के इलैक्शन लड़ांगे। तो संगतां नूं मैं मैसेज देना चाहता हाँ कि वध चढ़ के अपनिया आपो अपने हलकियां दियां वोटां अपने हलजेवें छड़ के वध चढ़ के वोटां बनाओ। जिन्नियां भी वध तो वध वोटां बनन उन्नियां ही वध अपनियां वोटां बनाओ। चुनाव चिन्ह मिल गया तो रल के ही सारे भैन भरा इलैक्शन लड़ांगे। इन्नियां कु बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो मैं देश विदेश दियां संगतां नूं फतेह बुलांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपार सिंह किशनगढ़ सबका मैंबर है जी सी पी। मैं अज मीडियम के माध्यम राही एक सरकार नूं मैसेज देना चाहता हाँ कि 22 साल असां संघर्ष किया। 22 साल संघर्ष करके तो हरियाणा कमेटी लागू करवाई। कोर्टा दे विच असी केस लड़े, केस लड़ के तो हरियाणा कमेटी नूं बहाल करवाया। उस तो बाद जिहड़े पुराने मैंबर हुड्डा सरकार ने चुने सन रहन ते उन्हां नूं ही देन देना चाहिए ही रहन। जद तक इलैक्शन नहीं सी हुंदा तद तिकर खट्टर सरकार नूं उन्हां मैंबरां नूं ही सेवा संभाल सौंपनी चाहिए ही। बट इन्हां ने RSS दे बंदे भर्ती करके मैंबर नोमिनेट करके ते इन्हां ने अपनी वक्री कमेटी बना के चलाना चाहिए। लेकिन इन्हां नवें मैंबरां नूं कमेटी के बारे तो कुछ पता नहीं सी। ये चला नहीं पाए। इन्हां दा रोज़ विवाद पिया रहिंदा ही, रोज़ गाली गलोच हो ही रहिंदी सी। ते यह हरियाणा कमेटी नूं चला सकते ही नहीं सन, इन्हां कोल चली नहीं। मैं हरियाणा सरकार नूं एक मैसेज देना चाहता हाँ कि सरकार जल्द तो जल्द इलैक्शन करवा दे। इलैक्शन करवा के जिहड़े सुलझे मैंबर आउणगे ते ओ इस कमेटी नूं चाल पाणगे। लेकिन ये जिहड़े मैंबर बनाए ने इन्हां नूं कमेटी दे बारे कोई नॉलेज नहीं। इन्हां नूं अपना जिवें जिवें कमेटी है वे इस तरह कमेटी नूं रहन देण। अगर सरकार ने कोई नुमाइंदा चुनना भी है जिन्ना चिर इलैक्शन नहीं होंदे ते कोई साफ सुथरा नुमाइंदा चुन लैण, उहनूं चुन के उन्ना चिर काम चला लैण। पर मैं इत्थे इक दसांगा, जिहड़े दल बदलू ने उहनां नूं ना चुनिया जाए। जिहड़े कदी बादलां नाल, कदी चटालिया नाल, कदी कांग्रेस नाल, उहनां बंदियां नूं ना चुनिया जाए। साफ सुथरा बंदा चुन के जिन्ना चिर इलैक्शन नहीं हुंदा उन्ना चिर उहनूं अपनी सेवा संभाल कर देण। सरकार नूं बेनती मैं करांगा कि जल्द तो जल्द इलैक्शन करा देण,
कमेटी दे विच रोज़ विवाद गाली गलोच होई रही है। इन्हों शख्सों तो ना कमेटी चलनी है ना ये चला पाएंगे। सरकार नूं मैं ही मैसेज देना चाहना कि जल्द तो जल्द इलेक्शन करवा देन, इन्नियां कु बेनतियां प्रवान करनियां। ते एक मैं होर मैसेज देना चाहना हरियाणे दियां संगतां नूं, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि अपने हलजेवें छड के जेड़े वोटां बनियां ने जिला वाइज जां ब्लॉक वाइज, अपने हलजेवियां नूं छड के वोटां वध तो वध बनवाओ। वोट का ही मुल पैना है। जिस मेरे किसी वीर भरा ने खलोना है वो उन्हें पता तो है मैं खलोना है, वो अपनी कोशिश करके तो वोटा जिन्या वो तो वह बन वो बनवा लै। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह।